अब दूसरी वैल्यू निकालनी है यहाँ से 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 है और कोस की वैल्यू कितनी है √3/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1/√3, ये आ गया 1/√3 आ गया। अब इसी तरह √2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास √2 1/√2, ये आपस में जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा ये आपके पास क्या बनेगा जल्दी से बता दें, 2 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा √3। अब ये आपके पास क्या बनेगा, साइन की वैल्यू कितनी है 1, कोस की वैल्यू कितनी है 0, 1/0 किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो tan 90 डिग्री कितना होता है आपके पास इन्फिनिटी होता है। साइन का जो रिवर्स होता है वो आपके पास होता है कोसेकेंट ऑफ थीटा, आपके पास क्लियर हो गया, मतलब हम क्या कहते हैं कोसेकेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है 1/sin ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा आप यहाँ से वैल्यू निकाले, मतलब यहाँ से साइन की वैल्यू उठाएं यहाँ पुट करते जाएं आपके पास किसकी आएगी कोसेकेंट की, 1/0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब कोसेकेंट क्या आ गया इन्फिनिटी। अब ये निकालेंगे 1/√2 तो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया आपके पास, फिर क्या आएगा 1/√2 आंसर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा आपके पास। मतलब आपने क्या कर देना है इन वैल्यूज को रिवर्स कर देना है, ठीक हो गया, तो ये 1/1 ही रहेगा आपके पास। तो साइन का उल्ट क्या होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट का उल्ट क्या होता है साइन होता है, रिवर्स होते हैं दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आप साइन की वैल्यू पुट करेंगे या इन सिंपल कह सकते हैं कि आपने साइन की वैल्यूज को उल्ट करते हैं, यानी आपके पास किसकी आ जाएगी कोसेकेंट ऑफ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब कॉस ऑफ थीटा का उल्ट क्या होता है आपके पास सेकेंट ऑफ थीटा, ठीक हो गया, क्या होता है सेकेंट होता है। अब सेकेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या है सेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा। अब क्या करें यहां बेटा सेकेंट ऑफ थीटा किसका उल्टा 1/cos का, ऐसे ही रेसिप्रोकल है ना, अब जरा गौर कीजिएगा 1 का उल्टा क्या आएगा 1 ही आएगा, इसको क्या कर देंगे क्या बन जाएगा 2/√3, ये क्या बन जाएगा √2/1 बटे में 1 लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा 2/1, ये क्या आ गया 0/1 के 1/0, 1/0 बनेगा, क्या बनेगा 1/0 किसके बराबर होता है आपका इन्फिनिटी के बराबर होता है आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रहेगी, ये वो आपके पास कौन सी है tan ऑफ थीटा का उल्टा क्या होता है आपके पास cot ऑफ थीटा होता है, tan ऑफ थीटा का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट आपके पास cot ऑफ थीटा। अब cot ऑफ थीटा के अंदर क्या करेंगे tan का 1/cot ऑफ थीटा किसका उल्टा होता है 1/tan का करते हैं आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। अब tan की वैल्यू को रिवर्स करते हैं 1/0 इंफिनिटी √3 1/√3 और ये क्या बनेगा 1/∞ 1/∞ किसके बराबर होता है 0, अगर 1/0 इंफिनिटी के बराबर है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1/∞ किसके बराबर होता है आपका 0 के बराबर होता है आपके पास, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज को याद रखना है और कोस की वैल्यू की निकालने के लिए क्या करना है साइन की वैल्यूज को होल्ड करते हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यू उसी तरह से निकल आएंगे आपके पास, क्लियर हो गया स्टूडेंट। टैन की वैल्यू हमने कैसे निकाली साइन अपॉन कोस से, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट, साइन की वैल्यू को होल्ड करते हैं, कोस का उल्टा क्या होता है सेकेंट, सेकेंट कोस की वैल्यू को होल्ड करते हैं, टैन का उल्टा क्या होता है कोट, टैन की वैल्यू को क्या करते हैं होल्ड करते हैं आपके पास, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है आपके पास 9.3 एक्सरसाइज का, जब तक आपको ये टेबल नहीं आएगा आपको एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करना नहीं आएगी आपको, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आपने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, क्यों टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत नहीं होगी, तो बच्चों आप लोगों ने इस टेबल को अच्छे से याद करना, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आप क्या करें इस टेबल को जल्दी से राइट डाउन करें, फिर हम एक्सरसाइज 9.3 की तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की जानिए, क्या कहता है वेरीफाई साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या साइन 30 डिग्री, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए किसके राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो वहां से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड वो आपको क्या कहता है, अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और आपके पास कितना साइन 30 डिग्री, क्लियर होगा स्टूडेंट। अब साइन 60 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, साइन कहाँ पे ये रहा 60 डिग्री का एंगल कहाँ पे ये रहा
साइन की लाइन में जाकर 60 एंगल देख लेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, अंडर रूट 3/2 आ रहा है आपके पास। क्लियर हो स्टूडेंट। अब इसी तरह कोस कहां पे ले रहा, 30 डिग्री कहां पे ले रहा, तो कोस 30 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3/2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कोस 60 की वैल्यू आपके पास कितनी है, कोस 60 कितना आपके पास 1/2। सिमिलरली साइन 30 कितना आ रहा आपके पास, साइन 30 कितना आ रहा 1/2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 का होल का स्क्वायर माइनस 1/4 व्हिच इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 व्हिच इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4 एंड व्हिच इज इक्वल टू 2/4 और आपके पास आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया आपके पास। और राइट हैंड साइड आपको क्या कहती है, कितनी आपके पास साइन 30 डिग्री, कितनी आपके पास साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई जिसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जस्ट आपको क्या करना है, इस टेबल को याद रखना है। टेबल अगर आपको याद हो गया है, आपको समझ में आ गया है टेबल, तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल नहीं है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो जल्दी से क्या करें, इसको नोट करें, हम क्या करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.3 हमारे पास चल रही है। क्या कहता है, sin स्क्वायर π/6। अब एंगल आपके पास रेडियन में गिवन है, ठीक है, π/6 π/4 π/3 π/2 जो फंक्शन है उसके साथ आपने उसमें क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक हो गया, sin स्क्वायर π/6 sin स्क्वायर π/4 sin स्क्वायर π/3 sin स्क्वायर π/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1:2:3:4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपने क्या करना, राइट हैंड साइड, ये आपस में क्या आ रही है, रेशियो आ रही है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या कहती है, साइन स्क्वायर π/6 रेशियो साइन स्क्वायर π/4 रेशियो साइन स्क्वायर π/3 रेशियो साइन स्क्वायर π/2। क्लियर होगा स्टूडेंट। आप जरा गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर π/6 मतलब यहाँ पे क्या सिंगल साइन है, साइन π/6 आपके पास कितना 1/2, कितना आपके पास 1/2 का स्क्वायर आ गया रेशियो। अब साइन π/4 कितना 1/√2, 1/√2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। साइन स्क्वायर π/3 कितना आपके पास 3/2, ये आपके पास आ गया स्क्वायर। साइन 90 कितना 1 आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 1/4, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3/4, आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, के राइट हैंड साइड आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो लेट्स मूव करते हैं आपके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की, यानी दो पार्ट है, मैं दिमाग में लगे आप खुद ही कर लेंगे, बहुत ही आसान है। क्या कहता है, इवैल्यूएट करना आपने tan π/3 माइनस tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 और tan π/6 है। जस्ट आपने क्या करना है, tan की वैल्यूज को उठाना और उसको क्या कर देना, पुट कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। हो गया, स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कितना गिवन है, tan π/3 माइनस tan π/6 डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan π/3 और tan आपके पास कितना है π/6 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास tan π/3 ये tan है और π/3 ये आपके पास, tan π/3 आपके पास कितनी वैल्यू आती है, अंडर रूट और tan π/6 आपके पास कितनी वैल्यू आती है, 1/√3 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। डिवाइडेड बाय 1+√3 1/√3 आ गया, क्यों, जो नीचे एंगल है वही आपके पास क्या ऊपर एंगल है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा आपके पास, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, √3 आएगा, तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या आ गया 1 आ गया, नीचे क्या रह जाएगा 1+1 रह गया आपके पास। अब सेकंड प्लेस आपकी कहां पे आ जाती है, नीचे आ जाएगा आपके पास, ऐसी है, ये तो बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3-1 डिवाइडेड बाय √3 आ गया आपके पास, ऐसी है, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2
से क्या हो गया कैंसिल, वहां से कितना आ गया 1/3 अंडर रूट 3 आ गया। और आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को इन दोनों वैल्यू के लिए क्या करवाना, सैटिस्फाइड करवाना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आंसर आना चाहिए। तो अब क्या करें, पहले आप थीटा इक्वल टू 45 लेंगे, फिर थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 30 डिग्री लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं कि जब अवेन आपके पास तो थीटा आपके पास क्या होता 45 डिग्री, तो हमारे पास आंसर क्या होगा। स्टार्ट करते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 2 साइन थीटा, और आपके पास कितना कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आपके पास 90 डिग्री, और साइन थीटा यहाँ पे थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे क्या 45 डिग्री आपके पास, क्लियर हो गया, यहाँ भी 45 आ जाएगा आपके पास, क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये कितना आ जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 2 साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, साइन 45 1/√2 और 45 1/√2 आपके पास सेम होते ना वैल्यू 1/√2 आ गया। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 कितना होता है आपके पास 1 होता है आपके पास, देखो कि यहां 1 आ जाएगा 2 इनटू ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1 = 2/ कितना आ जाएगा 2 2 = क्या आ गया 1 = 1। तो ये आपके पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड क्या आ गया इक्वल हो गया। तो थीटा = 45 डिग्री के लिए आप लोगों की क्वेश्चन क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो आप क्या करें इसको जल्दी से नोट करो कि हम क्या करते हैं थीटा इक्वल टू 30 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू क्या लेते हैं 30 डिग्री, वो आपके पास साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना 2 साइन ऑफ थीटा, और आपके पास कितना कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे क्या पुट करते हैं 30 डिग्री पुट करते हैं स्टूडेंट 2 साइन 30 डिग्री, और आपके पास क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री, ये आपके पास साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है साइन 30 1/2 आ गया, कोस 30 की कितनी बनेगी अंडर रूट 3/2 बनेगी आपके पास। ठीक हो गया, ये साइन 60 की वैल्यू कितनी आपके पास साइन 60 अंडर रूट 3/2 आ गया आपके पास, तो ये आ गया अंडर रूट 3/2। अब ये 2 से काट दो से क्या आ गया अंडर रूट 3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, सारे के सारे पार्ट गए ऐसे ही है आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सेल 9.3 का, उसकी तरफ क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं एक्सेल 9.3 को, और आज के हमारे लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। आपके पास क्या कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री और tan 60 डिग्री आपके पास क्वेश्चन की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन दैट tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री, और आपके पास cos 45 डिग्री और tan आपके पास कितना है 60 डिग्री आपका। क्लियर होगा स्टूडेंट, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, tan 45 कितना आपके पास 1, ठीक हो गया स्टूडेंट, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा, cos 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, sin कितना होता है 1/√2 होता है, cos कितना होता है 1/√2 होता है, और tan 60 आपके पास काम पे ये रहा कितना आ जाएगा आपके पास 1/√3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 1 - 1/4, ये आ जाएगा आपके पास x √3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 - 1 x √3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 2, और ये इतना रह जाएगा 3/4, इधर आके 2 मल्टीप्लाई और √3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपके पास 2 2 तो कितना होता है 4, तो क्या रह जाएगा 3/2 √3 = x आ गया। आप इसको मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, ऊपर वाले 3 को √3 करते हैं 2 √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x, ये कैंसिल तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया x आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखिएगा एक विद इन 2 मिनट 1 मिनट क्वेश्चन आपके क्या हो रहे सॉल्व हो रहे, बिकॉज़ ऑफ दैट आपको ये टेबल आना चाहिए।
जब आप ये टेबल आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके पास। कल का स्टूडेंट तो एक्सरसाइज 9.3 के चार क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।